नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो सरकार की चल रही है बेरोजगारी भत्ता योजना, अगर आपने उसमें आवेदन किया है या आवेदन करने वाले हैं तो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग ने सभी आवेदन वापस लौटा दिए हैं और उन्हें एक नई गाइडलाइन प्रदान की है जिसके अकॉर्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको नए अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म को फिर से अपडेट करने पड़ेंगे और ये फॉर्म अपडेट करने के बाद ही आप मासिक 3,000 या 3,500 रुपये जो भी हकदार हैं उसका लेने के हकदार होंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं जिससे ऐसी सूचनाएं आपके पास हमेशा आती रहे। तो फ्रेंड देखें, यहाँ एक मैसेज देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का जो आपका आवेदन है वो सभी का वापस भेज दिया गया है जिला नियोजन अधिकारी के द्वारा, और उसमें कारण दिया गया है कि पॉइंट संख्या 8.1 सब पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है आप एक दोबारा फॉर्म आवेदन जो को है अप्लाई करेंगे, एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और एक नया डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो ही आपको ये भत्ता दे होगा। इसके पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं, अगर आप शिक्षा स्नातक के बाद अगर निरंतर पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा भत्ता, अगर नरेगा में पंजीकृत है तो भी भत्ता नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी समस्त स्रोतों से आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक है तो भी आपको यह भत्ता नहीं मिलने वाला है। अगर आपने पहले 2007 और 2009 में अलग अलग योजनाओं से चल रहे नामों से अगर आपने भत्ता उठाया तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा आप अगर सरकारी विभाग या संस्था में नियुक्त हैं तो भी आप इसके हकदार नहीं है, या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, या फिर सरकारी या निजी क्षेत्र में अगर आप सेवारत है तो आप बेरोजगार नहीं कहला सकते और आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की आपको नहीं मिली हुई होनी चाहिए। और ये सब पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए एक आपको नया सर्कुलर अपलोड करना है इस वेबसाइट पर, उसके बाद ही आप इसके योग्य होंगे। तो देखते हैं ये सर्कुलर कैसे अपलोड करना है। सबसे पहले आप अपनी SSO ID से अपनी लॉगिन ID से खोलिए, उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो ऐप है उस पर आप क्लिक कर दिए, जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पे टिक किया है, इसको आप जैसे ही खोलेंगे तो इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भत्ते की है वो आ जाएगी। ये जो पहले आपने भत्ता जिसके लिए आपने अप्लाई किया था उसमें ये 7 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट थी, इसमें पहला था बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, फिर फाइनल ईयर की 10वीं की मार्कशीट, सेल्फ डिक्लेरेशन था एक, और इसके अलावा बैंक की पासबुक थी, फिर इनकम डिक्लेरेशन के 2 फॉर्म थे आई और के, ये हमने सारे अपलोड किए थे। लेकिन अभी एक नया सर्कुलर है और नया फॉर्म है वो एक और अपलोड करना है। न्यू फॉर्म जो है वो कैसा है अभी प्रारूप देखते हैं, तो ये अपलोड करेंगे तभी आप इस भत्ते के हकदार होंगे, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त समझा जाएगा। तो वो फॉर्म जो है वो आ चुका है, साइट पर एक सर्कुलर जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग है प्रत्यर्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने का स्वयं का घोषणा पत्र है ये। इसमें मैं अपना नाम फिर पिता का नाम दर्ज करते हुए ये कंप्लीट फॉर्म है, जिसमें 9 या 10 बिंदु इंक्लूड किए गए हैं जिसके बारे में अभी अभी हमने चर्चा की है। उन फॉर्म के सारे बिंदुओं को इंक्लूड करते हुए आपको एक फॉर्म अपलोड करना है। यहाँ पर सारे के सारे वो डिस्क्वालीफाई करने वाले पॉइंट्स हैं, उनसे हमें अंडरटेकिंग लिया गया है और लास्ट में आपको अपने साइन करने हैं और ये फॉर्म आपको फिर से अपलोड करना है उन डॉक्यूमेंट के साथ। जब ये फॉर्म आप अपलोड कर दोगे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा साइट से जहाँ से ये डाउनलोड होता है, उसका पेज नंबर 6 है। इसके अलावा आपने एक जो है आय प्रमाण पत्र भी अपलोड किया था, उसमें भी आप समस्त परिवार के सदस्यों के नाम इंक्लूड करते हुए समस्त स्रोतों से आय जो है आपकी 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हमने पहले प्रार्थी का साइन करके एक अपलोड किया था, ये नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड भी होना चाहिए, शायद ये सही किया होगा आपने। योजना से संबंधित किसी भी समस्या या सुझाव के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स आपके पास लगातार मिलते रहें। घंटी का निशान भी दबाएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस ताज़ा अपडेट का लाभ उन्हें भी मिल सकें और उन्हें भी इस योजना का फ़ायदा मिल सकें। जय हिंद।